प्लान में थोड़ा चेंज है, लाइक ये रास्ता बंद रहा है इसकी वजह से गूगल मैप भी चलाए थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओ शिट 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 शिट, बहुत गहरा खड्डा था वहाँ पे यार, बैक को तो लगा ही रहेगा। देख जरा, एक सेकंड रुक जा, पहले ऊपर पहुँच जाते हैं। हाँ वाटर प्रूफ है ना, वाटर प्रूफिंग जैकेट पहन देते। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फटाफट तैयार हुआ, फटाफट तैयार होने के बाद भी कम से कम एक घंटा लग गया। एंड जब बाहर आके देखा तो इतना मॉइस्चर बाइक पे, इतना मॉइस्चर, मेरा इंजन देखो, लाइक इतना दूर चलने के बाद इंजन इतना साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये लाइक ऐसा लगता है कि किसने बाइक साफ की है रात को, पर ऐसा कुछ नहीं है। मॉइस्चर इतना जम गया था ना, जैसा कि फ्रिज के अंदर बाइक थी। तो अभी मैंने बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने के लिए रखा है, मैं फटाफट जो अपने बैग है बाइक के ऊपर लाइक माउंट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। आज की जो जर्नी है वो बहुत कम है, 325 किलोमीटर की है, 7 बजे तक मेरे अंदाजे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट देखते क्या होता है। तो मैं रास्ते में आपको बताता हूँ, ठीक है। जब तक बाइक कोल्ड स्टार्ट होती है मैं माउंट करता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ। तो फाइनली अब ये खूबसूरत वादियों को छोड़ के निकलना पड़ेगा। ये अंकल का रूम और ये पूरा पीछे कॉफी प्लांटेशन। आई होप समडे आई विल कम बैक, कैन स्टे फॉर मोर 2-3 डेज। तो हम अभी निकल चुके हैं होम स्टे से, एंड राइट नाउ 25 किलोमीटर पार करके हम चिकमंगलूर स्टेशन आए, जो मेन सिटी है वो। एंड वापस से एक बार फिर से ये कोटा कॉफी हमने पी है, जो ऑसम है, ऑसम बहुत मस्त। अरे अभी मैं यहाँ से गया था, कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी थोड़ी देर के अंदर 2-3 लाइन आ गई है। बॉस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। हाँ हाउ मच, कितने का? लाइक नाइट्रोजन है एडवांटेज, लॉन्गर टायर लाइफ, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ऑक्सीडेशन इज। तो भी हम नाइट्रोजन एयर भर रहे हैं यहाँ से, थैंक गॉड इट्स फ्री। एंड जो नॉर्मल एयर था ये निकाल रहे हैं अंकल नॉर्मल एयर निकाल रहे हैं, एंड इसके बाद ये नाइट्रोजन एयर भरेंगे, जो हम जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैंने भरना भूल गया था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे देखा तो याद आया। तो नाइट्रोजन एयर अभी भर रहे हैं ये अंकल, अंदर से निकाला जाएगा। दिस इज टू, ठीक है तो हम निकलते हैं। नाउ वी आर समवेयर इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु बॉर्डर। इतनी हालत ख़राब हो गई है कि पिछवाड़ा एकदम पत्थर बन गया है यार, सूज गया है। अगर आप मेरी बाइक की सीट को देखोगे ना, ये बहुत कड़क है, बहुत कड़क सीट है, इसकी वजह से बहुत दुख गया। एंड अभी तक जितना हमने किलोमीटर किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 12859 इतना किलोमीटर किया आपने। चलो अभी फिलहाल तो ये जूस पी लेता हूँ यार मैं, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। 20 रुपये का एक लेग, 40 रुपये का, 115 रुपये में हम लोग पूरा नाश्ता कर लेते, 40 रुपये का जूस। मुंबई वाले को देख कर चुतिया तो नहीं बनाया। ये पता नहीं यार, लाइक फर्स्ट टाइम देखा हूँ, हसन शहर है ये। ये तू मैप में देखते रहे कहाँ कहाँ जाने का है, शहर आ गया, सीधा ही तब चलना है। ओके तो एक बार फिर से एक रॉन्ग टर्न, रुपेश ने फिर से नहीं बताया एक टर्न, जिसकी वजह से वापस से मैं वो पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टाइम, पेट्रोल सब कुछ वेस्ट हो रहा है। क्या ये हसन की ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस चुके, वो भी एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, नहीं तो यहाँ से भी निकल जाते यार। ओ, 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 ओ। आज की राइड थोड़ी सी भारी लग रही है, पता नहीं क्यों, बैठने में तकलीफ हो रही है, चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेन हाईवे पे अगर ये लोग ऐसी सर्विस देंगे
बहुत ही वर्स है, बहुत ही ज़्यादा वर्स है कंडीशन तो। ये देखो एक बार फिर से देख लो रोड, देखो रोड कर्नाटका के पूरे रोड बहुत ही बेस्ट मिले हैं मुझे, बट चिकमंगलूर से ऊटी के जो रोड आ रहे हैं ना इट्स वर्स। ओके ये दूसरे लेन में जाना होगा एंड फिर कैरी फॉरवर्ड करना होगा जिसकी वजह से मेरी स्पीड पूरी तरह से टूट जाएगी। कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था और ये देखिए वापिस है। रोड बनाने का भी एक तरीका होता है, इतना तकलीफ देके किसको रोड बनाया जाता है क्या। पूरे रोड ऐसे ही है, पूरे रोड ऐसे ही है। अरे बंद कर दो यार रोड बनाना, जो है रोड उसके ऊपर ही चला लूंगा मैं, ये इससे भी गंदा है। रुक रुक बाबा रुक। भेंट चोत क्या है ये, फक भेंट चोत, दिस इज द वर्स्ट भेंट चोत। ये यहाँ पे आया ही क्यों, मैं क्यों आया, चूतिया हूं मैं जो यहाँ पे आया। मुझे पता होता तो ये साला रूट लेता ही नहीं था। बाइक की खराब हालत हो रही है, मेरी खराब हालत हो रही है, दिमाग मार चुत रही है। कैसे जाने का है आ गया डेड एंड, यहाँ से जाने के लिए कुछ नहीं है। सॉरी मजाक कर रहा था, है मेरी बेटी थोड़ी सी पड़ गई थी, बट यहाँ से रास्ता है नीचे से। शिट मैन, शिट ये कौन से रास्ते में आ गए हम, माय सुरेश। ये भी गलत है, अरे आपने पहले ही बोला था, क्या है बता मेरे को क्या है। रुक एक मिनट, क्या गलत है, शिट यार शिट। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, लाइक ये रास्ता बंद रहा है इसकी वजह से गूगल मैप भी चला है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। ओ शिट 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 शिट, बहुत गहरा खड्डा था वहाँ पे यार, बैक को तो लगा ही रहेगा, देख जरा एक सेकंड रुक जा, पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ वाटर प्रूफ है ना, वाटर प्रूफिंग जैकेट, थर्ड क्लास है यार ये रूम। फाइनली फाइनली आ गया मैं, फाइनली 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 आ गया। जो भी पानी आया था जस्ट वही चेक कर रहा कि बैग में तो नहीं गए, बिकॉज बैग के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज है, कैमरा इक्विपमेंट है एंड मैकबुक है। वैसे तो हमने रेन कवर लगाया था लेकिन फिर भी एक बार रीचेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं मस्त में संडास वाली पोजीशन पे बैठा हूँ, रुपेश अपने बैग के अंदर जो पानी गया वो निकाल रहा है, हमने इक्विपमेंट चेक किए सब के सब प्रॉपर है। रुपेश का बैग ऑलमोस्ट फटने पे पता नहीं और 1300-1500 किलोमीटर ये कैसे कवर करेगा, देखते आगे क्या होगा। हम लोग ने ये भी तोड़ दिया पूरे, बहुत बहुत थर्ड क्लास रोड बनाते हैं ये लोग। सो स्टिल वी आर समवेयर इन कर्नाटका एंड डोंट नो वेयर इट इज़। क्या ये छोटा सा एक बस स्टेशन है यहाँ पे, इट्स वेरी गुड एंड अभी वापस से थोड़ी टाइम के अंदर हम निकलेंगे एक अंकल आके, देखते क्या होता है। पता नहीं ये बीच में एक छोटी सी दरगाह आ गई है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन मैं मतलब इसके ऊपर रिसर्च करूँगा। राइट है ना, तो राइट है।
कमेंट दिया तूने ऑफिशियली, यही है क्या? अरे तो फिर भेंट को डबल डबल बोलता रहता है। तो यहाँ पे पंजाबी ढाबा है, वहाँ पे हम रुके, कोस्टल ढाबा है वहाँ पे हम रुके। सी कैसा होता है ये ढाबा, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस ढाबा। मुँह हाथ धो के आपसे बात करता हूँ। सुबह 9:30 निकले थे हम, 9:30 या 10 पकड़ लीजिए आप, अभी 3 बज रहे हैं। 6 घंटे के अंदर हमने 250 किलोमीटर किया, वैसे बहुत कम है ये, बट आपको पता है रास्ते कैसे थे, खतरनाक एकदम बॉस रास्ते बॉस। मैंने मंगाया दाल तड़का और बटर नान, अरे बटर रोटी और कुलचा। तो ये मेरा सेटअप है, एक्शन कैमरा हेलमेट जो सादा वाला है ये, वही कोई हाई फाई नहीं है। सोचो तो मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है, ये दाल तड़का, ये कुलचा एंड बटर रोटी आना बाकी है। तो पहले मैं दाल तड़का और कुलचा से स्टार्ट। तो खाना पीना हो गया है, 1.5 घंटा हम तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक कुछ यहाँ पे रुके। 110 किलोमीटर पे यहाँ पे ऊटी है, फटाफट ऊटी पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। कॉज मेरा जो ये नाइकॉन का एक्शन माइक एक्शन कैमरा है एंड उसका मेमोरी ख़त्म हो गया इसलिए, ठीक है। अभी जस्ट 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सी ब्रेक लिया है नारियल पानी के लिए। एक्चुअली कैसा है, जब आप ना टॉप स्पीड पे बाइक चलाते हो अराउंड 90-100 किलोमीटर पर और के स्पीड से, तो लाइक अगर आपके पास 150 बाइक है तो आपको पता होगा कि बहुत वाइब्रेट करती है और जो आपका हाथ है वो बहुत वाइब्रेट कर करके लाइक एक नमनेस आ जाती है हाथ में। तो ये ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके हाथ में नमनेस आ जाए तो। लाइक अपने पास टाइगर वगैरह है तो नहीं, 800 cc, बट वी विल 150 cc पे ही ऊटी आ गए बॉम्बे से। सो गाइस फाइनली हम लोग बानीपुर टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से भी हम लोग को 45 किलोमीटर्स है ऊटी। तो ऊटी पहुँचने से पहले ये एक टाइगर पॉइंट आता है, यहाँ ये जंगल है पूरा, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर होते हैं जो कि जानवर रोड पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी रोकना स्ट्रिक्टली मना है, आप गाड़ी रोक के किसी जानवर को कुछ खिला नहीं सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग को पीछे साइड में हिरन दिखाई दिया था, लच्छी में देखता हूँ आगे कुछ दिखता तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। सो ये जंगल जैसे ख़त्म हो गया, मतलब ये पहाड़ अभी चढ़ना है हम लोग, यहाँ से पूरा पहाड़ पहाड़ी है। सो गाइस देखो देखो देखो, तो मोर 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 देखो गाइस मोर, मैंने बोला ना अभी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया। तो देखो लोग खड़े हो गए ये चीज़ कर रहे, तो ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिक्टली माना है कि आप देखो एक और एक मोर, स्ट्रिक्टली माना है कि आप लोग यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं खिला सकते, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा जंगल है यहाँ पे, जो भी एनिमल्स हो गए रोड पे आ जाते हैं। हिरन विरन भी अभी इस साइड साइड में ही थे, पीछे साइड में गया तो देखता हूँ आगे दिखता है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली देखो हम लोग को हिरन दिखाई दिया, देखो 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 गाइस ये हिरन है, देखो कितने सारे यहाँ पे हिरन है, देखो 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 आगे तक भी है। तो हिरन मैंने बोला ना जैसे हम लोग को पीछे, हिरन बहुत है यहाँ पे और वो भी रोड के साइड साइड में ही है, क्या अच्छा लग रहा है यार सच। सो गाइस ये पूरा 45 किलोमीटर से पूरा पहाड़ है, हम लोग को पूरा पहाड़ ही चढ़ना है क्योंकि मैप में दिखा रहा है ये पूरा राउंड रोड है, तो पूरा ये पहाड़ ही चढ़ना है। सो अभी आप लोग थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करो, थोड़ा व्यू एंजॉय करो, फिर आप लोग को मैं सीधा ऊटी वाले अपने रूम पे मिलता हूँ। अभी गाड़ी विंडशील्ड गिरी अपनी वो कॉर्नर पे, रुपेश का लैपटॉप बैग था, रूम में जाके चेक करते कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। थोड़ा बहुत गंदी चढ़ान है, बहुत गंदी चढ़ान, बट अभी 14 किलोमीटर भी मैनेज कर लेंगे हम लोग। फाइनली वी अराइव इन ऊटी, अभी होटल के पास है हम, द गेल ऑड होटल, बहुत अजीब है, हालत ख़राब हो गई यार ऊटी का पहाड़, एक बार बाइक गिर गई है एंड इतना ख़तरनाक पहाड़ मैंने आज तक अपनी बाइक पे नहीं चढ़ा, वो भी इतने सारे बोझ के साथ। 150 cc एफजेड बाइक ऑलमोस्ट लाइक ये जो लाइक अगर आप वेट कैलकुलेट करोगे तो 20 kg तो इजीली होगा, और हम दोनों का 70-70, मेरा तो 56 है, उसका आराम से 65 होगा। बहुत हालत ख़राब हो गई है, अभी डायरेक्ट रूम में मिलता हूँ फ्रेश होके। यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी है, तो आप लोग को मैं अपना होटल का रूम दिखाता हूँ कि कैसा है। सो लेट्स गो, चलते हैं अंदर। तो ये आके सीधा पड़ गया इसके अंदर, जैसे अपने को चाहिए होता है मिरर हमारे को बात करने के लिए कैमरा से, एंड एक बेड
अरे डबल बेड मतलब तीन जन है लेकिन हम लोग है दो जन, तो दो जन हम लोग आराम से फैल के सोएंगे। तो वो बेड पे सोएगा क्या? मैं इस पे सोऊंगा। हाँ तो मैं भी इस पे ही सोऊंगा। चल निकल। तो ये मेरे कैमरे के सब इक्विपमेंट है, लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। आज पता है क्या हुआ? ये टीवी है जो कि अभी हम लोग इस पर बिग बॉस देखने वाले हैं एंड चलते हैं। हाँ एंड ये है बाथरूम जो कि ओके ओके है, जैसे कि यहाँ पे भी मिरर दिया हुआ है, हम देख के बात कर सकते हैं। सो जैसे कि ये मिरर है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं। और थर्मास के अंदर गर्म पानी है, इसके अंदर गर्म पानी है, इसके अंदर ठंडा पानी है, ठीक है। बोल गर्म पानी समझ गए होंगे क्यों नहीं है। बहुत ज्यादा ठंडी है इसलिए होटल देखते गर्म पानी दिया है। तो फाइनली इस गर्म पानी के साथ मैंने अपना जो फेस है वो धो लिया है। अब चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं। मैं तो पीऊँगा हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट पीऊँगा। मैं बहुत भूख लगी है यार। तो अभी खाना खाने के लिए आए होटल के अंदर। मैंने आपको बताया जो लाइक रूम के अंदर इतना ठंडा पानी रहता है ना कि लाइक आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक जो नल रहता है उसके नीचे तक दो, पानी का फ्लो इतना ख़तरनाक है और इतना ठंडा पानी है कि आपका हाथ ही सुन्न हो जाएगा। तो अभी खाना खाने के लिए आए हम, बहुत भूख लगी है। पीछे भी एक होटल थी लेकिन कैसा है, आगे एक सर्कल है, सर्कल के पास बहुत सारी होटल्स है, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। वहाँ पे ATM भी है तो पैसे भी निकाल लेता हूँ एंड खाना भी खा लेंगे, कोई अच्छी होटल मिलेगी तो। मेरे पीछे जो है ये ATM है, ATM के अंदर जो लाइन है बहुत ज़्यादा है, पैसे निकालने थे मुझे, बट अभी मैंने सोचा है कि पहले खाना खा लेता हूँ उसके बाद में ATM के अंदर जाके पैसे निकाल लूँगा। बहुत शोर है यार। सो गाइस अभी ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री का, इतनी ठंड है कि मुंह से धुआं निकल रहा है और मैंने गलती कर दिया कि मैं चड्डी पे आ गया। तो अभी होटल से थोड़ा सी, जो हमारा होटल है उससे थोड़ा सी दूर एक राठी का होटल है, वहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। बिरयानी वगैरह है यहाँ पे, बट कैसे है ना बिरयानी खा के लाइक पूरे जो साउथ की बिरयानी है ना टोटल अलग है, तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तो अभी यहाँ पे चिकन मसाला हमने दिया है और 2 प्लेट पराठा, तो लाइक देखते हैं अब क्या होगा। चिकन मसाला। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, तो मैं जो भी खराब रहेगा वो करेक्शन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके आप लोग बताना जरूर।